भाई रैंप पर आजकल कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं रह गए हैं। एक वक्त पर रैंप पर सिर्फ मॉडल्स चला करते थे, लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। शोज की तरफ ध्यान खींचने के लिए बी टाउन एक्टर्स तो रैंप पर चलते ही हैं, अब मामला प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स तक पहुंच गया है। बात हो रही है करण जौहर की। सभी जानते हैं कि करण जौहर का दोस्ताना बॉलीवुड के हर शख्स से है, लेकिन शिवास फैशन टूर में करण ने अपने नए दोस्तों से लोगों को मिलवाया जब वो डिजाइनर रोहित बाल के लिए रैंप पर चले। ये है फैशन की दुनिया का नया उभरता चेहरा। इस चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। जी हाँ, सही पहचाना। रैंप पर चलते ये है प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर। भाई बतौर मेहमान तो करण ने काफी सारे फैशन शोज अटेंड किए हैं और दूसरों के लिए तालियां बजाई हैं, लेकिन इस बार बारी थी तालियां बटोरने की। इस बार तो करण फैशन वीक की फर्स्ट रो में नहीं बैठे, बल्कि शिवस फैशन टूर में उतर पड़े रैंप पर डिजाइनर रोहित बाल के लिए, वो भी अपने एक्सक्लूसिव स्टाइल में। आखिर माजरा क्या है करण, फैशन में इतनी दिलचस्पी क्यों? दोस्ताना मेरा दोस्ताना के साथ है फर्स्ट, क्योंकि दोस्ताना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, इमोशनल कनेक्शन है टाइटल के साथ। तो ये सब जानते हैं कि मेरे पिताजी का जो कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, तो पहला फिल्म दोस्ताना था। तो 30 इयर्स लेटर वे कमिंग अप विद द सेम टाइटल। दो फिल्म बहुत अलग है, मुझे डर लगता है कि अगर मेरे पिताजी ने देख लिया होता तो क्या कहते वो। करण, आपको माफी कैसे मिलेगी? अगर आपने रैंप पर चलने की हिम्मत जुटाई है तो फिर सवालों के लिए भी तैयार रहिए। करण ने रोहित बाल की डिजाइन की हुई आउटफिट वैसे तो काफी कॉन्फिडेंटली स्पॉट की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि करण अपनी इस डिजाइनर आउटफिट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थे। अब अष्ट धातु का क्या रेलेवेंस है वो हम स्टेज पे ही देखेंगे। कुछ ज्यादा ही उन्होंने मुझे इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया, विच आई एम नॉट अंडरस्टूड एट ऑल, कि अष्ट धातु का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या कनेक्शन है विद द कलेक्शन। सो वी विल हैव अ लुक एट इट। मैं अष्ट ना लगूंगा ना धातु लगूंगा, पता नहीं मैं क्या लगने वाला हूँ। भाई करण भले ही इस फैशनेबल आउटफिट को ना समझे, लेकिन फैशन को जरूर समझते हैं। He understands the philosophy of fashion and he understands the philosophy of aesthetics. क्योंकि फैशन से करण का दोस्ताना पुराना है, तभी तो वो बिना हिचक रैंप पर चले और शायद इसीलिए रोहित उनसे काफी खुश नजर आए। He's got the personality, the looks, the feel and he has a pizzazz and he has that X factor and that for me is what makes somebody special. रैंप पर तो करण ने कमाल किया। वैसे फैशन डिजाइनर बनने का ख्वाब उनकी आंखें बचपन से ही देखती रही है। एक बचपन का सपना था कि आई वुड बी एसोसिएटेड इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन इन सम वे ऑर द अदर, एंड मैं खुश हूं कि निर्देशक निर्माता होने के बाद मुझे ये मौका मिला दैट आई कैन बी एसोसिएटेड विद फैशन। गौर करने वाली बात ये है कि करण भले ही रैंप पर पहली बार चले हों, लेकिन फिल्मों में अपनी फैशन सेंस का कमाल वो कई बार दिखा चुके हैं। करण ने अपनी फिल्म कभी अलविदा ना कहना और कभी खुशी कभी गम में तो स्टार्स के कपड़े डिजाइन किए ही है। हाल ही में ओम शांति ओम में ड्रेस डिजाइनिंग करके उन्होंने धूम मचा दी। तो आखिर करण का ज्यादा दोस्ताना किससे है, फिल्म से या फैशन से? दोस्ताना मेरा दोस्ताना के साथ है फर्स्ट, क्योंकि दोस्ताना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, इमोशनल कनेक्शन है टाइटल के साथ। तो ये सब जानते हैं कि मेरे पिताजी का जो कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, तो पहला फिल्म दोस्ताना था। तो 30 इयर्स लेटर वे कमिंग अप विद द सेम टाइटल। दो फिल्म बहुत अलग है, मुझे डर लगता है कि अगर मेरे पिताजी ने देख लिया होता तो क्या कहते वो। उसके बाद ऑफकोर्स मेरा दोस्ताना रोहित बाल से है, फैशन इंडस्ट्री से है। तो ये बात साफ हो गई कि फिलहाल करण के लिए दोस्ताना ज्यादा मायने रखती है, वो भी इमोशनल रीजंस की वजह से। वैसे करण की फिल्म में बिल्कुल उन्हीं की तरह उनकी पूरी स्टार कास्ट बेहद स्टाइलिश नजर आ रही है। तो आखिर अपनी फिल्म के स्टार्स को वो कितना स्टाइलिश मानते हैं? प्रियंका हैज डन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब इन दोस्ताना। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ विद complete assurance ki she has never looked and performed the way she has. Bahut hi beautiful lag rahi hai film mein, bahut stylish, bahut chic, and for the first time I think she's come across looking like the girl she really is. अब स्टाइल की ही बात है तो फिलहाल तो आपकी रैंप वॉक ने सबके होश उड़ा दिए। वैसे अगर आप अभिषेक, जॉन और प्रियंका को भी अपने साथ रैंप पर ले आते तो ये दोस्ताना यादगार बन जाता।
शोभा श्रीवास्तव, जूम मुंबई।